उत्तराखंड में कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में 11 लोगों के नाम जारी किए हैं, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि हरीश रावत रामनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो वह हरीश रावत ने कहा है कि उनके लिए रामनगर राजनीति की भूमि रही है और रामनगर की गलियारों में भी उन्होंने राजनीति का अनुभव लिया है। आपको बता दें कि रामनगर सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता रंजीत रावत भी टिकट की दौड़ में थे, लेकिन इस सीट पर हरीश रावत का नाम फाइनल हुआ। एक मेरा गुरु स्थल भी है, जब गांव से निकल करके आया तो मैंने रामनगर में ही अध्ययन भी किया और राजनीति का आवा कौखो सब सीखा। सुशील कुमार निरंजन एक दलित नेता थे, वहां से लेकर के रामलाल जी तक, शिव प्रकाश से लेकर विष्णु प्रसाद तक, ललित दुर्गापाल से लेकर के कैलाश जोशी तक मेरे बहुत सारे गुरु रहे, जिन्होंने मुझको कैसे राजनीति में क्या सीख होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए दी। और रामनगर की गलियों में मैंने सीखा, वहाँ से देश और दुनिया की और देश और प्रदेश की सेवा करने के बाद तो मैं अपने गुरु स्थल की सेवा में जाना चाहता।